को यार। ए, पूरा खुल गया, वाव। आज तो पूरा अंधेरा हो चुका है और क्या बताओ यार, रहने का कोई जगह भी नहीं मिला। भैया का बाइक चला रहा हूँ, ये देखो, और भैया जो है मेरी साइकिल चला रहे हैं। साइकिल चला के कैसा लगा? अरे यार बहुत ज्यादा, मतलब ओम नमः शिवाय हर महादेव एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम किशनगंज। सो मैं कल बिहार पे पहुंच चुका था, आप लोगों को तो पता है किशनगंज पे, और मैं गुरुद्वारा पे रुका था इसी जगह पे। सो अभी तो देख सकते हो पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, अभी तो हम लोग पूरा पैकिंग करेंगे एंड यहाँ से निकलेंगे और देखते हैं कि गुरुद्वारा में खाना मिलता है कि नहीं। बाकी नहीं मिलेगा तो भी सही होगा, क्योंकि अच्छे से रुकने को मिल गया, रात को खाना भी मिल गया और अच्छे से सो भी लिया। और ये है सुबह का गुरुद्वारा का कुछ ऐसा नज़ारा है, सुबह सुबह का बिहार का कुछ ऐसा नज़ारा है। आज तो बिहार पे एकदम सी गर्मी नहीं है, जब से मैं राइड कर रहा हूँ ना तब से, मतलब मैं गर्मी के कारण परेशान था वेस्ट बंगाल पे एंड आसाम पे भी, गुवाहाटी पे जब आया था तब परेशान था, एंड उसके बाद तो सिलीगुड़ी से आने के बाद तो पूरा मेरा मौसम चेंज हो गया है, मतलब मेरा चेंज नहीं हुआ, मौसम चेंज हो गया है मेरे लिए पूरा, देख सकते हो। अभी आज तो ठंड है, आज भी चलाऊँगा, आज धूप नहीं आएगा तो मज़ा आएगा। और अभी बज रहे सुबह के 9:30 और गुरुद्वारा कुछ ऐसा गुरुद्वारा है यहाँ पर हम लोग रुके थे, ये देखो। एक्चुअली इस गुरुद्वारा पे लोगों को रुकने नहीं देते, जो बाहर से आते हैं ना उनको रुकने नहीं देते। कल तो मैं साइकिल से आया था, इसके कारण मुझे देख के उन्होंने रोक लिया, नहीं तो ये छोटा है ना, ये गुरुद्वारा काफ़ी छोटा है, इसके कारण इस पर रुकने नहीं देते, क्योंकि इस पर ज़्यादा कमरे नहीं है इसके कारण। सो अभी तो मैं पैकिंग करूँगा और एक बैड न्यूज़ से मैं आप लोगों को वो बताऊँगा, बाकी क्या करूँ यार, इतना मुसीबत आ रहा है मेरे साथ। तो उधर खाना बन रहा है, लेकिन खाना लेट होगा बोल रहे थोड़ा सा, बट इंतज़ार नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। और इधर है मेरा साइकिल और इधर है बाइक का बाइक, सो अभी निकालेंगे, निकाल के पैकिंग करेंगे। और मेरे साइकिल फिर से टूट चुका है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ पर टूटा है, कैसे टूटा है, बट अभी दुकान तक कैसे लेके जाएंगे वही सोचना पड़ेगा। ये कल केले मिले थे तो मैंने साइकिल पर रख दिया था, मैं भूल गया था, और अभी साइकिल को जब निकाल रहा हूँ तो देख रहा हूँ केला, तो इसको मिल बांट के खाएंगे अभी एंड उसके बाद निकलेंगे। बाइक को भी मैं दूंगा, अभी मैं तो एक खाऊंगा उसको दो दे दूंगा। चलो इसको अभी, यार मेरा साइकिल टूट गया यार, देखो मेरा साइकिल फिर से टूट चुका है, ये देखो ये पूरा निकल गया यार, क्या करूँ यार, अभी बैग को कैसे कहाँ रखूँगा। फिर से ट्रेन आ गया, इधर इतना ट्रेन जाता है, पूरा 2-3 मिनट में ट्रेन जाता है, इतना ट्रेन जाता है, देखो फिर से ट्रेन आ गया। ये तो माल ट्रेन है, ये देखो यार, ए पूरा खुल गया, वाव। या अभी कैसे लेके जाएगा बैग को, फिर से एक ट्रेन आ गया, वो जाते जाते और एक ट्रेन आ गया, इतना ट्रेन आता है इधर। अभी तो कैसे ना कैसे करके इधर पैकिंग कर दिया है, बाकी चलाते टाइम खोल के गिर जाएगा या फिर क्या होगा वो नहीं पता, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। अभी जस्ट अभी के लिए हो चुका है, चलिए अभी चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। और मेरा साइकिल देख सकते हो कल बारिश में भीग के पूरा एकदम गंदा हो गया, एकदम पूरा गंदा हो गया, खत्म, देखो। तो देख सकते हो भैया आगे आगे जा रहे हैं, ऐसे ही स्लो स्लो जाएंगे। आज भी शायद कितना देर तक मेरे साथ आज रहे थे वो मुझे तो नहीं पता, क्योंकि वो तो अलग रूट पे जाएंगे आज और मैं अलग रूट पे जाऊंगा। जय श्री राम। ये देखो अभी तो किशनगंज पे हूँ मैं, बिहार पे, और देखते हैं कि आज का सफ़र क्या होता है। बाकी अभी तो मेरा बैग ठीक है, हिल नहीं रहा, मतलब गिर नहीं रहा, देखते हैं क्या होता है, कब तक आज बना पाते कि नहीं वो भी नहीं पता मुझे। अभी तो इधर मस्त एक जम चाय पी रहे, ये देखो बिहार का चाय, बढ़िया चाय, देखो चाय के साथ खा रहा हूँ ये सुबह सुबह। अभी तो हम लोग जाते जाते यहाँ पर एक होटल पे आ चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने खाना नहीं खाया था ना, सो इधर बहुत ज़्यादा लगी है, हाँ मतलब इधर पता नहीं रात में खाया सही से खाया, वो क्या ना दिन भर इंजन चलता है ठंडा होता है तो वो भूख लग जाता है, कुछ कंज्यूम कर लेता आप। सो इधर जाएंगे, देख सकते हो होटल राज दरबार ढाबा है ये, इस महीने में जब श्रावण का महीना चल रहा है
उसमें हमें शुद्ध शाकाहारी खाना मिल गया। हाँ, दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो हमारा पूरा एकदम मस्त सा खाना आ चुका है, ये देख सकते हो। अभी तो बस खाएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है ना। मेरी तो बहुत ख़राब है और मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं एक्चुअली उत्तर प्रदेश में तो बिना रोटी के ना हमारा लाइक खाना नहीं पूरा मतलब कंप्लीट नहीं होता। हमारा राइस के बिना कंप्लीट नहीं होता। हम जितना भी रोटी खाए पेट नहीं भरेगा, पेट ऐसे ही भर जाएगा लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगेगा। लेकिन हमको राइस खाना ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पता है कि राइस नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए जान है। पूरा हो चुका है और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। भैया उधर है तो चलो मैं भी चलता हूँ भैया के पीछे पीछे। मुझे भी जाना पड़ेगा और मास्क लगाना पड़ेगा। बाकी दुख तो नहीं है बट गर्मी ज़्यादा है और ऊपर से ये काला वाला धूप है तो इस पर पूरा काला हो जाऊँगा। वैसे तो हो भी चुका हूँ, अब क्या होना, नहीं तो और भी हो जाऊँगा पूरा। इसको लगा लेते बादे। यहाँ पर हम लोग वीडियो बनाने के लिए रुके थे और बॉल बम के लोग, बाप रे बाप इतने लोग आ रहे हैं आज। कल तो पूरा भर जाएंगे ना, कल तो सोमवार है। तो अभी हम लोग इधर चाय पीने के लिए ब्रेक लिया है और इधर देख सकते हो चाय। और आज है मेरा डे 15 घर से निकला हुआ। आज मेरा पूरा 15 दिन हो चुका है मेरा घर से निकला हुआ और कितने दिन में पहुंचता हूँ पता नहीं। और केदारनाथ का तो एक ही बैड न्यूज़ सुनने को आ रहा है कि रोड ख़राब हो गया है, पूरा रोड फ्लड के कारण बह गया है। इसके कारण अभी तो यात्रा बंद कर दिया गया है। कितने दिनों के लिए बंद किया है वो नहीं पता। और हरिद्वार पर भी फ्लड हो रहा है, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो मैं रिटर्न बैक घर पर नहीं जा सकता, जो होगा देखा जाएगा। महादेव के साथ तो डरने की क्या बात। देखो मैं भैया का बाइक चला रहा हूँ, ये देखो, और भैया जो है मेरी साइकिल चला रहे हैं। वाह, अच्छा लग रहा है। इतने टाइम बाद, कितने टाइम बाद साइकिल चला रहे हो? 5-6 महीना हो गया। मैं तो बाइक मतलब चलाता हूँ गाड़ी वाड़ी, बाकी 15 दिन बाद फिर से चला रहा हूँ। भाई साहब बिहार में इतना ज्यादा गर्मी है, क्या बताओ यार। धूप देखो आप एक बार, ओ माय गॉड इतना ज्यादा गर्मी है। भैया तो पीछे पीछे आ रहे हैं वो साइकिल चला के, मैं तो आगे आगे निकल गया उसके बाइक से। आएगा उसका इंतजार करूंगा सामने जाके, वही बोल रहा है आगे जाओ आगे जाओ, तो मैं आ गया। अभी हम जा रहे थे, भैया ने अपना बाइक जो है चेंज कर लिया और इधर देख सकते हो लोग मिले। आप यही के हो? नहीं मैं मधुबनी जिला का। अच्छा, यहाँ से डूमर कितना दूर है? मेरे को नहीं मालूम। डूमर हाँ। साइकिल चला के कैसा लगा? अरे यार बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को पुराने दिन याद आ गए थे जब भी मैं साइकिल चलाया करता था। भाई साहब ऐसा लग रहा है ना पूरा अभी भी पत्थर का हो गए। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, 4 या 5 किलोमीटर चलाई, बहुत ज़्यादा बता दिया, कम ही चलाया लेकिन बहुत। इट वॉज अ वेरी टफ टास्क फॉर यू लाइक। गर्मी कैसा है बिहार? गर्मी कैसा है? बहुत यार गर्मी, बहुत यार। आज थोड़ा सा कम होगा शायद, मुझे लगता है। ओ बाप रे बाप इतना धूप है, पूरा जलता है, बॉडी जला देता है यार। चलो 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 भाई, बाय बाय बाय। अभी हम लोग जा ही रहे थे और इधर देख सकते हो इधर हम लोगों को खाना खाने के लिए इनविटेशन मिल गया। इधर खाना खा के मतलब जाएंगे और इधर खाना पका रहे। हाँ हाँ इधर देख, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कांवरिया संघ है ना, ये अभी जाएंगे एक ज़िला है सुल्तानगंज, जहाँ से मान्यता है कि माता गंगा जी के जल, पावन जल कंधे पे हाथ में लेकर के 110 किलोमीटर चल के बाबा धाम में जा करके जल अर्पण करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं कि पैदल चल के वो ऐसा यात्रा करते, कुछ लोग गाड़ी से जाते हैं जिसकी जिससे अपनी अपनी श्रद्धा होती है। तो उन्हीं के बीच ही हमें खाने का सौभाग्य मिल रहा है। ये हमें महादेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे लोग के ऊपर कि ऐसे प्रसाद हमें मिल रहे खाने के लिए। ये देखो प्रसाद खाएंगे अभी तो, अभी तो पूरा मस्त खाना खा रहे। देखो ऐसे रास्ते के पास में बैठ के पूरा छाव में।
हम लोग किधर ही बैठे थे और उधर देख सकते हो अंकल अपनी बाइक धो रहे, मैं भी थोड़ा सा साइकिल धो लूंगा अभी। अच्छा हुआ कि अंकल को मिल गया मैं, और अभी तो थोड़ा सा धोऊंगा साइकिल क्योंकि मेरा गंदा हो चुका था, अभी थोड़ा साफ हो जाएगा। बैग भी गया क्या? अभी यहाँ से भी निकलेंगे, अंश भाई जा रहे हैं आगे आगे, तो मैं भी पीछे पीछे जाऊंगा, तो चलो चलते हैं, धीरे धीरे जाएंगे आराम से। जय श्री राम, हर हर महादेव। आ रहे थे और इधर देख सकते हो दो भाई मिले हमको। भाई आपका नाम? मेरा नाम हाय। आपका नाम? सौरभ कुमार। और आप यही के हो? जी। और आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार। अच्छा, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, वेलकम। आज तो पूरा अंधेरा हो चुका है और क्या बताओ, आज रहने का कोई जगह भी नहीं मिला। और ये हनुमान जी का मंदिर, हम लोग यहाँ बारिश हो जाएंगे और सारे सामान को अंदर रख देंगे, बाकी ताला लगा देंगे बाहर से, सामान को अंदर रखेंगे, साइकिल को साइड में ताला लगा दूंगा इधर, और सामान जो है अंदर रख देंगे। आज का दिन तो यहीं पर कटाना पड़ेगा, यहीं पर है हमारा साइकिल व्हीकल, सो चलते हैं। और उधर है विष्णु जी का मंदिर और हमारे महादेव जी का और साथ में हनुमान जी का। अभी हम लोग मंदिर से आ चुके हैं अभी एक ऐसे विवाह भवन पे, और इधर देख सकते सारे कांवर यात्री है, और इधर आज हम लोग रुकेंगे क्योंकि उधर ना बार बार आके बाइक वाले पूछ रहे थे, फ़ोन दो ना, थोड़ा सा फ़ोन करना है ऐसे ऐसे बोल के बार बार कर रहे थे, तो मैं तो नहीं दिया मैंने फ़ोन, क्योंकि मेरे पास रिचार्ज नहीं है बोल के मैंने नहीं दिया, क्योंकि पूरा सुनसान एरिया है और बस मंदिर ही है, तो साइकिल को इधर रख दिया है। इधर देख सकते हो पूरा सारे कांवर यात्री लोग हैं और बाहर भी सारे लोग सो रहे हैं, और ये है हमारे भैया अंश भैया। अरे यार उधर सही हुआ, उधर चले आए हम लोग, हाँ में ऐसे जगह सोया हुआ था ना, ये पता नहीं कैसा इन्फेक्शन हो गया मेरे को। ये देखो क्या हो गया इसका, कीड़े इतने कीड़े हैं, जहरीले कीड़े हैं, मच्छर है, बाप रे बाप। उधर से हम लोग आ गए, बाकी अभी तो कुछ इधर का ऐसा है, खाना चाहते हो तो भी खा सकते हैं। मस्त है यार इधर, हम रहेंगे आज इधर मस्त एकदम, तो इधर ही रहेंगे। चलिए, तो अभी हम लोग उधर बैठे थे और इधर देख सकते हो हमको भैया मिले। भैया आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश झा है। और ये भैया जो है हमको अभी खाना खिलाएंगे। थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। खाना नहीं खिलाएंगे यार, ये दोस्ती है यार। थैंक यू सो मच। देखो जो होता है ना वो अच्छे के लिए होते हैं, और मैं तो महादेव के भरोसे चल रहा हूँ, तो महादेव मेरे साथ कैसे गलत कर सकते हैं। उधर मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, अंश भाई तो नहीं थे, तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और वो भैया आए और बात किया, और बात करके मैंने बोला साइकिल से आया हूँ, तो बोला कि खाना खाया? नहीं, मैंने बोला नहीं खाया, तो चलो आओ बोला, तो मैं आ गया भैया के साथ खाना खाने के लिए। लेकिन मैंने बोला कि मेरे साथ और भी है, अंश भैया भी है, तो मैं अकेले थोड़ी ना खा सकता हूँ, खाऊंगा तो दोनों एक साथ खाएंगे ना, दोनों एक साथ चल रहे हैं तो एक साथ खाना पड़ेगा ना, मैं खा के ये भूखा रहेंगे ऐसा तो नहीं होगा। मैंने बोला कि मेरे साथ तो और एक भी है बोला, तो उसने बोला चलो उसको भी लेके आओ, उसको भी खिलाएंगे बोले, तो अंश भाई को भी बुलाया और अभी हम दोनों खाएंगे मिल के। यार वैसे एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ ना, मतलब ये पर्सनल है मेरा, ऐसा कुछ नहीं, मतलब नॉर्थ ईस्ट में आया था एक बार, तो नॉर्थ ईस्ट में असम के लोग, मतलब ऐसा भी ट्रिप करने से पहले मैं ऐसा रैंडमली गया हुआ था, बहुत प्यारे वाकई में, मतलब ऐसा लगा ना कि मैं फर्स्ट टाइम गया था, लोगों ने ऐसा बोला कि मतलब असम ऐसा वैसा या नॉर्थ ईस्ट पूरा ऐसा, बट जो मेरा एक्सपीरियंस था ना नेक्स्ट लेवल था बहुत, मतलब कभी कभी तो ऐसे मोमेंट आए ना लाइक मेरे आँखों के आंसू आ गए असम में, मतलब मेरे को यहाँ से प्यार है वाकई में, असम को मैं मतलब यहाँ से कर रहा हूँ, बातचीत असम से, असम के लोग तो भाई इतना दिलदार होते हैं, बहुत प्यार होते हैं, लाइक उनके पास कि हम दो देते हैं ना, वो आधा तुम खाएंगे आधा तुम्हें खिलाएंगे, एक एक करके खिलाएंगे, मैं भी सेम हूँ, खाऊंगा तो दोनों एक साथ खाएंगे, नहीं तो भाई छोड़ो। कौन सा अच्छा लगा मेरे को, काफ़ी अच्छा ह्यूमैनिटी, मतलब इस चीज़ें लाए जाए कहीं लोग, तो हर जगह ये चीज़ नहीं है, अभी आपको रास्ते में बहुत सारी परेशानी भी आएगी और बहुत अच्छा भी लगेगा। हाँ तो मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, मेरा तो अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, अंश भाई का तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरा तो अभी बस 15 दिन चल रहा है,
और आप लोगों को पता है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है। बढ़िया रहेगा, महादेव की कृपा से काफ़ी अच्छा। हाँ, मुझे तो, मैं तो महादेव के भरोसे चलता हूँ, बट ऐसा तो ठीक है, वो निगेटिव लोग मिलेंगे उनसे अपने को कोई मतलब नहीं। मुझे तो मतलब है, एक काम से सुनना एक काम से निकालना, दो काम, बट जो अच्छे लोग मिले उनका, जो अच्छे लोग मिले ना उनका दोनों काम को सुनने का और दिमाग में बैठने। और इधर देखो पानी भी खरीद के दिया है, अभी तो जस्ट खाना आएगा। ये देखो मेरा पूरा खाना आ चुका है और भाई तो खाएंगे रोटी। ये देखो बहुत बहुत शुक्रिया। सो आज तो यहीं पर सो जाएंगे। सो इधर देख सकते हो दो दो पंखे लगे हुए, आराम से आज सो जाएंगे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा कीड़े काट रहे हैं यार, इतना खुज भी हो रहा है, कीड़े पूरा कीड़े काट रहे हैं। और इधर देखो पूरा सारे भोलभम के लोग ही लोग हो गए। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया, पसंद है क्या करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, साथ में एक प्यारा सा कमेंट करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय बाय। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय बजरंग बली। बाय बाय।